ग्वालियर में सरकारी महिला वकील और महाधिवक्ता कार्यालय के कई बड़े वकीलों की छवि बिगाड़ने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट में सरकारी महिला वकील व महाधिवक्ता कार्यालय के वकीलों को भ्रष्टाचार बताने वाले पोस्टर चस्पा किए गए हैं। यह पोस्टर हाईकोर्ट के सभी सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए हैं। सरकारी महिला वकील ने इसकी शिकायत विश्वविद्यालय थाने में की, जिस पर पोस्टर महिला वकील का आरोप है कि पोस्टर चस्पा करने वाले व्यक्ति ने उनके अलावा महाधिवक्ता कार्यालय में पदस्थ अन्य बड़े वकील और अतिरिक्त महाधिवक्ता की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास किया है। पुलिस ने देर रात मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाना में जो है फरियादी जो है अंकिता माथुर है, शासकीय अधिवक्ता है, उनके द्वारा कंप्लेंट दर्ज कराई गई है कि ग्वालियर हाईकोर्ट में जो है दृश्यमान जगहों पर एक एडवोकेट गिरवर सिंह चौहान जो है उनके द्वारा शिकायती आवेदन पत्र भ्रष्टाचार और भ्रष्ट चरित्र के संबंध में शासकीय अधिवक्ताओं के संबंध में लगाए जा रहे थे। तो उन्होंने उनको जाके पूछा कि इस प्रकार का कृत्य क्यों कर रहा है। इस बात पर उनको उन गालियाँ की गंदी गंदी गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी और उनके भ्रष्ट चरित्र के संबंध में उनके द्वारा जो कंप्लेंट की गई उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण में विवेचना की जा रही है।